और आदाब शुदा। हाँ हाँ हाँ, गजबे करते हैं भाई, हम हैं ना बतियाने के लिए। जाइए जाइए, अपना कंठ को जरा आराम दीजिए। नमस्ते, हमको तो पहचान ही लिए होंगे। हमको कहते हैं चिकमिक, क्योंकि हमारे पास हर बात का जवाब है। जानती हैं, ब्याह कर जब हम यहाँ आए तो हमने जाना कि 6 महीने तक और 6 महीने के बाद बच्चे को क्या क्या खिलाना जरूरी है, आप नहीं जानेंगे। चलिए सुनते हैं इस एपिसोड में। ओले 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 ओले, ए चुप हो जा गुड़िया, देखो हमारा नंबर आ ही गया। एनएम दीदी अभी तुझे देखेगी, चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। अरे रेखा, ये गुड़िया क्यों रो रही है? दीदी भूख लगी होगी इसे, आजकल जितना भी दूध दे दो बस रोती रहती है, इसीलिए ही तो दिखाने लाई हूँ। अरे रेखा, दूध से ही पेट कैसे भरेगा, अब तो 6 महीने की हो गई है, अब इसे दूध के साथ साथ घर में बना दाल खिचड़ी दलिया सब खाना देना चाहिए। लेकिन दीदी, मेरी बिटिया अभी से ये सब कैसे पचा पाएगी? रेखा, अब तो गुड़िया 6 महीने की हो गई है, पचा लेगी। देखो अब तक माँ का दूध काफी था, लेकिन अब उसे बढ़ने के लिए और ज्यादा पोषण की जरूरत होगी। घर में जो भी बनता है, जैसे कि खिचड़ी दलिया साबूदाना की खीर सत्तू दाल और साग सब्जी सब खिलाया जा सकता है, और तुम आलू बैंगन टिंडा कद्दू कच्चा केला पपीता पालक जैसी सब्जी खिचड़ी और दाल में डालकर अच्छे से मीस के उसमें घी या मक्खन डाल के मुन्नी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 से 5 बार खिलाया करो। पर ध्यान रखना, बच्ची को 2 साल की होने तक अपना दूध भी पिलाती रहना, समझ गई ना? क्या दीदी, मेरी गुड़िया ये सब खा पाएगी? बिल्कुल, स्वादिष्ट और सेहतमंद खाएगी तभी तो तंदुरुस्त बनेगी और बढ़ेगी भी। समझ गई दीदी, जो खाना हम खाते हैं वो खाना 7वें महीने से बच्चा भी खा सकता है, और साथ में 2 साल का होने तक दूध भी पिलाते रहे, है ना? बिल्कुल जी हाँ, बच्चे को अगर तंदुरुस्त बनाना तो 6 माह से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार जरूर खिलाना। कोरोना महामारी के खतरे से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि बच्चे के शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। साफ सफाई का ख्याल रखें, जैसे कि परिवार और बच्चे के लिए खाना बनाने से पहले हाथों को साबुन और बहते हुए पानी से 20 सेकंड तक धोएं। खाने में इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियों और फलों को हमेशा धोकर ही प्रयोग करें। खाना बनाते समय या बच्चों को स्तनपान करवाते समय छींके या खांसी नहीं, खांसते और छींकते समय हमें रुमाल कोहनी या फिर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अपनी आँख नाक व मुँह को नहीं छूना चाहिए और इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, तथा एक दूसरे से बात करते समय 2 गज की सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।